आज की वीडियो में ये 2 साल के बच्चे का वास्कोट है, तो ये वास्कोट बनाना बताएंगे। तो ये अस्तर कटिंग कर लिया हूँ और स्टिप भी चिपका लिया हूँ, ठीक है। अगर स्टिप चिपकाने का वीडियो देखना है तो चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे का और ऊपर का पैकेट बनाएंगे। अब इसको कट कर लेंगे। अब इसको जर में सिलाई मारेंगे इस तरह पलटी करके। छोटा पैकेट है, बहुत तकलीफ देगी सिलाई मारने में, लेकिन थोड़ा हिसाब से मारना पड़ेगा, सिलाई लग जाएगी। अभी जो ऊपर का कच्चा सिलाई है इसको खोल लें। अब इसका थैला में सिलाई मार लेंगे। नीचे का पैकेट बनाएंगे। ऊपर का 2.5 इंच दिया हूँ ये वाली पैकेट, नीचे का 3.25 इंच है।
ब्रैकेट और नीचे का सिंगल बॉन्ड बन गई है। अभी अस्तर से हम इसको पल्टी कर देंगे। मैं इसको पहले से फोल्ड कर रखा हूँ, मुझे ऊपर से आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे लास्ट में आयरन का काम करेंगे। तो ये जो चटका मार रखा है कोना कट का, यहाँ से हम चालू करेंगे। और यहाँ पे भी हल्का हल्का चटका लगा लेंगे और ये साइड को भी हम अटैच कर लेंगे, ताकि यहाँ पे डबल छोटा है ना, इसलिए डबल टेप डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको ये कोना को इस तरह पलटी कर लेंगे। ये कोना निकल गए, अब इसको यहाँ से हम पलटी करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको पलटी कर लिया। यहाँ पे आप कच्चा सिलाई मार के हम इसको अस्तर और मेन पल्ला को दोनों को बैठा लेंगे, ताकि बाद में खसके ना। जो कपड़ा अस्तर का भर रही है हम उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से आपको दूसरे साइड का भी पल्ला बना लेना है, सामना पल्ला कि मैं पहले से बना रखा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह आएगी। अब इसका बैक पल्ला को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला हो गया। ये अस्तर को हम इस तरह खोल लेंगे। ये जो हमने चटका लगाया, चटका से थोड़ा कम ही सिलाई मारेंगे। कोना को इस तरह नाप करके देख लेंगे, दोनों बराबर रहेगी। और यहाँ पे एक टाँका मार लेंगे, ताकि ये कोना खसके ना, ये अपने जगह पर रहे। अब इसको इस तरह हम पलटी करके इसको अंदर डाल लेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई मारेंगे, ताकि ये दोनों पल्ला पकड़ा जाए। यहाँ पे अच्छा से टांका मार लेंगे। ये नीचे वाला पल्ला कम लेंगे, क्योंकि मार्जिन इसमें दिया है।
ठीक है, बाकी का यहाँ अरमोल का मार्जिन को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा चटका मार लेंगे। अब इसको हम पलटी कर लेंगे यहाँ से। दोनों तरफ का कोना नाप करके देख लेंगे, बड़ा छोटा ना रहे, और इधर ऊपर नीचे से देख लेंगे कहीं पे क्या भी खराबी तो ना हो। तो क्या करेंगे, यहाँ बैक में कच्चा करके अस्तर और मेनपल्ला को बराबर कर लेंगे। एक बार कॉलर नाप करके देख लेंगे ये बराबर आ रही है नहीं, थोड़ा सा हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये कम पड़ रही है तो इसकी बीच में गोलाई करेंगे।
सिलाई इस पर और मार देंगे, क्योंकि जो सिलाई बाहर दिख गई है ना, तो बाद हम इसको मार के ये वाले ए बाजू का सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई बाद में हम खोल लेंगे। तो ये देखिए हमारा छोटे बच्चे का नेहरू वाशकोट कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह आ जाएगी बनने के बाद।